नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। एसीएफ फॉरेस्ट टीचर के प्रति छात्रों के बढ़ते उत्साह ने निश्चित तौर पे हमें प्रेरित किया है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर 21 जून को काफी अधिक संख्या में छात्रों के रजिस्ट्रेशन के कारण छात्रों की लगातार मांग को देखते हुए कुछ नए प्रावधान किए जा रहे हैं। दोस्तों, एसीएफ का यह कोर्स अब 3000 की फीस पे 25 जून तक उपलब्ध होगा, किंतु इसके लिए आपको 22 और 23 जून को हमारी वेबसाइट पर आकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना होगा। 23 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यह कोर्स 3500 पर ही उपलब्ध होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। आई एम रूपा एंड विद मी यू आर गोइंग टू लर्न, या वी आर गोइंग टू लर्न टुगेदर इंग्लिश। यस्टरडे वी हैव सीन नाउन, अभी से जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन बताया, और ये बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ आपको। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कंपटीशन में इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है, व्हाट इज इंग्लिश इन कंपटीशन, वही समझाना चाहती हूँ। येस, बट ऑफकोर्स वी विल लर्न द टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑल द ग्रामर बेसिक्स, ठीक है। सिमिलरली द टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सिलेबस में अलग से दिखता नहीं होता, पर मुझे ऐसा लगता है ये वाली चीज़ अगर आप कर लेते हो, आज जो मैं करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। आपको लगेगा कि मैं ये सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ, आपको ऐसा लगेगा, पर वो लगना नहीं है। हमें याद होना ही चाहिए, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट विद कंजंक्शंस एडवर्ब एडजेक्टिव्स एंड अदर ग्रामर दैट इज टेंस एंड वॉइस एंड एक्सेट्रा, बिफोर दैट आई थिंक दिस बेसिक्स हैज टू बी लर्न बाई हार्टेड बाई यू, ओके। तो आज मैं वही आपके साथ डील करने जा रही हूँ, और प्लीज़ इसको अच्छे से लेना इस सेशन को, और पिछले बार में भी जो भी ऐसे लगता है आपको कि आपको नहीं समझ आया है वो आप मुझे बताओगे। दे मे बी स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू विल पार्डन मी इफ देर इज एनी, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन टेल मी, बिकॉज वेन एवर अ स्टूडेंट इज अटेंटिव ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज वेरी अटेंटिव इन हिज वेंचर्स, ओनली देन कैन यू टेक आउट द मिस्टेक्स, ओनली देन कैन यू क्वेश्चन। अर्थात जब आप पढ़ रहे होते हो, अगर आप अटेंशन दिए, आप ध्यान से पढ़ते हो, आप उस पर ध्यान देके करते हो चीज़ों को, तभी आप बता पाते हो कि इसमें क्या कमी है या इसमें मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अगेन सेम वीडियो, प्लीज़ लर्न इट नाइसली। एनी डाउट इन दिस ऑल्सो प्लीज़ आस्क मी, बी फ्री टू आस्क एनीथिंग इन योर कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर यू, ओके। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और यही वो एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है, ठीक है। नाउ द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का एक सिंपल तौर पे डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ या समझाऊँ, तो सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ने के लिए अगर कर्ता एक वचन है, यानी कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन अ स्टेटमेंट, द वर्ब विच यू टेक विद इट विल हैव टू बी सिंगुलर। सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है, तो क्रिया को भी कैसा होना पड़ता है, एक वचन। अब आप सोचोगे क्रिया एक वचन कैसे हो सकता है, क्रिया में एक वचन बहुवचन हमने नहीं पढ़ा, तो अभी अपन देखेंगे कैसे करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया को भी बहुवचन होना पड़ता है। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक, ओके। तो एक सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ओके। तो अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब भी दो होते हैं, एक सेंटेंस में दो वर्ब हो सकते हैं, या तो मुख्य क्रिया अकेला, या फिर सहायक क्रिया अकेला, या फिर दोनों साथ में। दैट इज वाई देर आर ए नंबर ऑफ टेंसेस एंड वी लर्न अबाउट द टेंसेस, ओके। यही रीजन है। तो ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। ये याद करना मुश्किल है, क्योंकि आप हर क्रिया को याद नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रिया हैं, और हमारी एक लर्निंग कैपेसिटी होती है, तो उससे ज़्यादा हम उसको याद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लर्न इन ऑल दी वर्ब्स गिवन इन द इंग्लिश डिक्शनरी और फाउंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, नो यू कैन्ट, बट यू कैन ऑफकोर्स मग अप और लर्न एंड बाय हार्ट द हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये इतने ही होते हैं जितने भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ प्लूरल के साथ होते हैं, कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। यही चीज़ आज हमको याद करना है, ताकि हम जब सेंटेंस बनाएं तब हमको दोबारा इस चीज़ को बोलना ना पड़े बार बार, ठीक है। दैट इज़ व्हाई एम टेकिंग दिस टॉपिक बिफोर हैंड, ओके। नाउ आई हैव एक्चुअली जॉटेड डाउन द हेल्पिंग वर्ब्स इनटू 7 कॉलम्स, सिर्फ 7, तो हम तो 8-8, 9-9, 10-10
फोन नंबर्स याद कर लेते हैं तो ये तो सिर्फ 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स ईजिएस्ट वर्ड. इसमें बहुत स्पेलिंग भी नहीं मिस्टेक होगी और ना ही बहुत बड़े वर्ड्स हैं, तो याद करना ईजी होगा. तो फर्स्ट वन इज एम आर, सेकेंड इज वॉज वर्ड, थर्ड इज विल शैल, फोर्थ इज हैज हैव हैड, नेक्स्ट इज बी बीइंग been, do, does, did, may, might, will, would, ought to, need to, used to, have to, must, shall, should, can, could. देखा ध्यान से. अब अगर आप देखोगे तो सेवेंथ वाले में मैम ने इसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा. आई डिड नॉट राइट 8, 9, 10, 11, 12. रीजन, ये सेवेंथ में ही सारे बिलोंग करते हैं. These all are actually modals or modals which is taken as helping verbs sometimes. अर्थात ये सब modals होते हैं जो कभी कभी helping verb का काम ही करते हैं और इसीलिए इनको model auxiliary verbs कहते हैं. क्या कहते हैं? Model auxiliary verbs. कौन से वाले को? Seventh वाले को. Now, when you are learning English with me, please remember, मैं एक sequence में आपको देती हूँ कोई भी चीज़ें, तो please उस sequence को याद रखो, क्योंकि आप जब वो sequence के साथ करोगे तो जब हम लोग passive करेंगे, जब हम tense करेंगे तो हमको ये सब काम आने वाला है. जैसे मैंने बोला number one वाला क्या है? Helping verb. तो आपको याद रहेगा कि is, am, are. Number four का कौन सा है? Has, have, had. ठीक है. डो नॉट चेंज द सीक्वेंस, प्लीज लर्न इन द सेम सीक्वेंस सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू मैनेज अदर ग्रामर पोर्शन. ठीक है. ओके, नाउ सी आई हैव अंडरलाइन सम ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स विथ रेड. दिख रहा है? इज, वॉज, हैज, डज. कैन यू सी दिस? ओके, नाउ रिमेंबर द रेड वंस विच इज रिटन अंडरलाइन विद रेड वन, दैट मीन्स इज, वॉज, हैज एंड डज. ये सभी सिंगुलर वर्ब्स होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगते हैं. प्लीज रिमेंबर, लर्न बाय हार्ट इट. दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलवेज एक्टिंग एज सिंगुलर वर्ब्स एंड दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद देम. ठीक है. अर्थात अगर कर्ता एक वचन है तो हम इस, वॉज, हैज या डज का प्रयोग करते हैं. ठीक है. सिमिलरली द वंस विच आई हैव अंडरलाइन विद ब्लू, देखो ध्यान से, आर, वर, हैव एंड डू. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जनरली प्लूरल होते हैं और इनके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. ओके, लर्न करो. ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. जैसे हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हम स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स याद करते हैं. ठीक है, वो हमारा स्कूल का एग्जाम नहीं है. अब हम जब कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो हमें याद होना चाहिए. Similarly, you have to remember that these all things are basics and you need to learn it. इसको समझने से ज़्यादा याद करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये प्लस है. हम इसको समझते नहीं हैं, हम याद करते हैं. हमें पता है 2 × 2, 2 × 2, 4 होता है. ये हम समझते नहीं हैं, हम याद करते हैं. Similarly, you have to learn that is is meant to be singular, are is meant to be plural. ऐसे ही was singular, were plural, has singular, have plural. बाकी जितने भी helping words आपको दिख रहे हैं इनमें singular और plural का tension नहीं होता है. अर्थात ये एक वचन के साथ भी लगते हैं और बहुवचन के साथ भी लगते हैं. Am I clear? Everyone. Okay? So these are some helping verbs. अब आप ही के exam में last to last year एक question आया था कि ought, this is called ought. ठीक है, इसके साथ कौन सा preposition लगता है? The question was, I'll just give you the question also. इसके साथ आया था question कि इसके साथ कौन सा preposition लगता है. ठीक है, एंड देवर ए नंबर ऑफ ऑप्शंस गिवन, 4 ऑप्शंस वर गिवन और उनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था क्योंकि 2 दिया ही नहीं था ऑप्शन में. ये याद रखना होगा. ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो बेसिक है, जो हम भूल जाते हैं. हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तैयारी करते हैं, हम बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन हम बेसिक्स कुछ भी याद नहीं रखते हैं. तो आई वॉन्ट यू टू लर्न बेसिक्स एंड जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन बाई हार्ट द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न. लर्न दिस विल, वुड, मे के साथ माइट, शैल के साथ शुड, कैन के साथ कुड, विल के साथ वुड, ought to, ought के साथ to, need के साथ to. ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन धीरे धीरे देखेंगे जब हम वॉइस और टेंसेस करेंगे. ठीक है, दिस
finishes with them. No, I'll give you some questions now. Okay, regarding this. See how it comes in examination. Okay, now look at this. अब मैं आपको समझाती हूँ, पहले ये समझा रही हूँ. बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम्पल, लेट अस सॉल्व दिस. ठीक, अंडरस्टैंड दिस. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी मैडम ने बताया आपको कि क्या है. अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होना है. अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होता है. ठीक है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब हियर. ठीक है, और यू आर टॉकिंग अबाउट नाउन हियर. मैं अभी प्रोनाउन नहीं लिखी हूँ और ना ही हेल्पिंग वर्ब लिखी हूँ. तो अगर हम किसी भी नाउन के साथ इनमें से किसी भी सफिक्स अर्थात प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है. बहुत बेसिक है बेटा, आपको लग रहा होगा कि वी ऑल नो दिस, बट इवन देन रिमेंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट ऑल दिस. वेन एवर यू आर डीलिंग विद करेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इसीलिए ये करवा रही हूँ मैं. ठीक है, वैसे ही मेन वर्ब के साथ जब भी इनमें से कोई भी प्रत्यय लगता है तो हो जाता है सिंगुलर. That means आपने पढ़ा होगा generally in grammar is it is written V1, V2, V3, V4 and V5 form of verbs. ठीक है, तो V1 और V5 actually means this only. जैसे ही main verb में आप इनको लगा दे, जैसे play plays, read reads, wash washes, brush brushes, cry cries. आ रहा समझ में? तो ये जितने भी आप पढ़ रहे हो इनमें से जैसे ही हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं तो जो क्रिया होता है वो एक वचन जस्ट ऑपोजिट हो रहा है. देखो ध्यान से. ठीक है, तो अगर नाउन में ऐसा और यस लगा है तो याद रखना वर्ब में नहीं लगेगा, वर्ब में वो प्लूरल वर्ब लगाएगा. यानी V1 फॉर्म जो होता है आपका, V1 फॉर्म जो होता है वो होता है प्लूरल वर्ब्स, और V5 फॉर्म जो होता है वो होता है सिंगुलर वर्ब्स. अगर आप किताब से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो ऐसे याद रखेंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखेंगे बेटा जिस भी वर्ब में एस ई एस आई एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाता है, जिनमें ये नहीं लगा होता वो प्लूरल होता है. बाकी तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाकी वर्ब्स के बारे में हम टेंसेस में पढ़ेंगे. ओके, तो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस रिमेंबर दिस वन. अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मैंने दो प्रकार अभी लिखे हैं. मैंने एरर को वैसा वाला नहीं, एरर स्पॉटिंग नहीं लिखा है, ये करेक्ट द स्टेटमेंट्स हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स है रिलेटेड टू एनीथिंग. अब ये वर्ब भी आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें सब में वर्ब दिख रहा है. अभी आप इसमें नाउन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हम मैंने कहा था आपको कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ टॉपिक वाइज नहीं आएगा और ना ही वहाँ पे ये बोला जाएगा कि इसमें क्या ढूंढना है ये बताओ. इट विल बी जस्ट गिवन करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बच्चे कैसे कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इसमें क्या ढूंढना है, वो पूरा पढ़ते हैं, उसका मीनिंग ढूंढते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. नो नीड टू डू ऑल दैट इफ यू ऑल हैव दीज बेसिक थिंग इन योर माइंड. ओके, नाउ सी द फर्स्ट वन, मैन एंड वुमेन. फिर ऑप्शन देखो, ये सब मत पढ़ो पहले, ये पढ़ने के बाद ब्लैंक है ना तो देखो कि क्या लिखना है मुझे. इज और आर लिखा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे. तो इस वर्ड को देख के डरना नहीं कि आई डोंट नो द मीनिंग, इसका तो मीनिंग ही नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं आ रहा तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊँगा. ये अगर दिया है और उसके बाद ब्लैंक दिया है तो यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, एस वी ओ. हमको ये लिखना है, ये दिया हुआ है. तो अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमें पता है कि अगर नाउन, ये पूरा सब्जेक्ट है, दिस होल थिंग इज अ सब्जेक्ट, रिमेंबर है ना. अब चेक करो कि सब्जेक्ट कैसा है. मैंने बताया था अगर नाउन है तो वो एक वचन है या बहुवचन, ये चेक करना. चेक, मैन एंड वुमेन दो लोग हैं यानी बहुवचन, तो क्या आएगा आंसर, आर. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं नो नीड टू गो टू दिस वर्ड, नो नीड टू रीड दिस वर्ड, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम रीडिंग दैट. प्लीज रिमेंबर, यहाँ ब्लैंक है तो तुरंत चेक करो वॉट इज गिवन इन द ब्लैंक, क्या लिखना है हमें, उसके हिसाब से हमको चेक करना है. अगर हमें यहाँ कुछ और लिखना होता, हमें ए एंड द लिखना होता या कुछ और लगाना होता तो हम इसको चेक करते हैं. अभी हमको ए एंड द कुछ नहीं लगाना, हमको इस आर लगाना है. दैट मीन्स वर्ब के बारे में बात करें तो हमारा कंसर्न सिर्फ सब्जेक्ट के पे होगा. गेटिंग मी? नेक्स्ट, द लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स डैश टू द ट्राइब. अब मुझे ना ट्राइब का मतलब मालूम है ना एज वेल एज का मतलब मालूम है, मुझे उसको हिंदी में ही मालूम उसका. तो अब याद करना, ये लगा है, ये दिख रहा है, दोनों सेम होते हैं. इट ऑलमोस्ट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, आर सिनोनिम्स. ठीक है, समानार्थी है. तो लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स,
पर बात किसकी हो रही है? एक लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। हम इसके साथ इसकी बात कर रहे हैं तो आंसर होगा बिलोंग। सॉरी, हाँ दिख रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिस सिमिलर है एंड, ठीक है, और ब्रदर्स, यानी दो लोग कम से कम हुए तो क्या हो जाएगा? बिलोंग टू द सेम ट्राइब। नो नीड टू गो थ्रू दिस। अब यहाँ पे दो यहाँ भी दोनों वर्ब दिए हैं, एक एस के साथ है और एक बिना एस के साथ है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जो एस के साथ होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर। तो हमें तो यहाँ दोनों की बात हो रही है कम से कम, तो हम कौन सा लिखेंगे? बिलोंग। तो ना आपको मीनिंग जानने की जरूरत है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है कि इसको ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नो नीड। अब वो जो लोग ये करते हैं वो करके भी सही आंसर निकालते हैं, पर याद रखना है कि हमें उनकी जितना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस विद इन अ टाइम गिवन एंड देन डू करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग अप टू द थर्ड वन देखो। अ लार्ज सम ऑफ मनी डैश, अभी मेरे को इसका मीनिंग नहीं मालूम। क्वेश्चन अगेन इज एन आर, तो चेक करेंगे। अ लार्ज सम ऑफ मनी, अब जैसे ही बच्चा देता है लार्ज सम ऑफ मनी तो दिमाग में आता है बहुत सारा, लार्ज सम ऑफ मनी। तो आप याद रखेंगे दिस मनी इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। देखो ये प्लीज, मैं चिन्ह बता रही हूँ, मैं पहचान बता रही हूँ। प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट टीचिंग यू एनी अदर ग्रामर, आई एम टीचिंग यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली विद इन टाइम। ओके, तो अ लिखा है और मनी है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है इस। ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। डोंट गो टू द टेंसेस, डोंट गो टू एनी अदर थिंग, डोंट इमेजिन, डोंट थिंक एनीथिंग। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नाउ कमिंग अप टू करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, अब आते हैं हम लोग सेंटेंस करेक्शन में, जो हमें डर लगता है। म्यूजिक, अब ये उसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम। सूद मी, ठीक है, म्यूजिक सूद मी। नाउ दिस बिकम्स अ सब्जेक्ट बिकॉज इन दिस मीनिंग इट इज गिवन। मी कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, दैट मीन्स हमारा वर्ब कौन सा है? अब चेक करो म्यूजिक, क्या हम म्यूजिक को गिन सकते हैं? नहीं। हम म्यूजिक वीडियोस को गिन सकते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट को गिन सकते हैं, म्यूजिक एनीथिंग एल्स को गिन सकते हैं, कैसेट्स को गिन सकते हैं, सीडीज को गिन सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट म्यूजिक। दैट मीन्स अगेन म्यूजिक इज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस होना आवश्यक। तो यहाँ पे है एरर, तो मेरा आंसर हो जाएगा म्यूजिक सूथ्स मी। नेक्स्ट वन, द पीपल हु ओन दैट हाउस हैज नो इंश्योरेंस। अब चेक करो कहाँ पे वर्ब दिया है, वर्ब कहाँ दिया है? यहाँ दिया है वर्ब, यहाँ तो नहीं है कहीं, नहीं है। अब मुझे सबका कुछ मीनिंग नहीं मालूम, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, आई कैन नॉट ट्रांसलेट इट, मुझे नहीं आता ट्रांसलेट करना। पर मुझे मैडम ने सिखाया है कि कैसे चेक किया जाता है, वर्ब ढूंढ सकती हूँ मैं और वर्ब ढूंढ सकता हूँ मैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अभी अपन ने देखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? तो द पीपल हु ओन दैट हाउस, बात किसकी हो रही है? उन लोगों की जो ये घर ओन करते हैं, यानी कि जिनका जो मालिक है उनके। तो बात पीपल की हो रही है, पीपल कैसा है? एक होता तो पर्सन होता, अभी पीपल है, पीपल मीन्स प्लूरल ऑफ पर्सन, पढ़ा होगा आपने, मैंने लास्ट टाइम में दिया है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो पर्सन इज सिंगुलर, पीपल इज प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर नहीं हो सकता। अभी क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बड़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी कैसा होना पड़ता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। और वर्ब मतलब दोनों चीज़ आ रही है, हेल्पिंग वर्ब को भी वर्ब कहते हैं और मेन वर्ब को भी वर्ब कहते हैं। मैंने अभी समझाया था कि पहले वाले लेसन में कि सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि दोनों हो सकता है, कुछ सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब हो, किसी में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, किसी में दोनों हो। ठीक है, तो यहाँ पे has is our helping verb और has singular होता है, हम पढ़े थे, तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था? Have। तो people who own that house have no insurance। अब आपको कान में जमे या ना जमे, the answer is this only। ठीक है,
नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट वन. अब ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे भ्रम हैं. ठीक है ना, एवरी वन ऑफ द वर्कर्स रिसीव द सेम बेनिफिट्स. ओह बहुत सारे बड़े वर्ब्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं. एवरी वन भी है, वर्कर्स भी है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहे हो. रिसीव हाँ, एंड दिस इज बेनिफिट्स. आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग विद मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियम्स. आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं. ध्यान से समझना बेटा, कोई भी शब्द को देख के आपको घबराना नहीं है. फिर से हम क्या करेंगे, हर एक सेंटेंस में, ये ऐसा नहीं कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही हूँ तो आपको ऐसे चेक करना है, नहीं. आप कोई भी सेंटेंस करेक्शन में सबसे पहला ध्यान इसी टॉपिक पे देंगे क्योंकि जनरली यहीं पे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, दे फॉल इन दिस कैटेगरी. अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब सही है तभी आप प्रपोजिशन या कंजंक्शन पे जंप करते हैं. ओके तो हम चेक करते हैं हमारा वर्ब कहाँ है. वर्कर्स नहीं हो सकता वर्ब, एवरीवन वर्ब नहीं हो सकता, यानी वर्ब कौन सा है, रिसीव. टेंस का टेंशन ही करना नहीं क्योंकि जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके चलो अब अपन चेक करते हैं अगर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट. तो हमने ये लिखा रिसीव बिना एस के है, मतलब प्लूरल है, और हमको तो ये भी दिख रहा है प्लूरल क्योंकि एवरी वन वर्कर्स मतलब सब, सबकी बात हो रही है. तो अब आप रटेंगे मेरे साथ, ध्यान रखेंगे, ये जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं इसको या रटे प्रोनाउंस कहते हैं, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं. ध्यान से देखो, एवरी वन हर एक प्रत्येक होते हैं, ये वही है. तो समवन समबडी, एवरी वन एवरीबडी, ठीक है, नो वन नोबडी, एनी वन एनीबडी, ये सभी सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए वर्ब इनके साथ हमेशा सिंगुलर होगा. आई नो दैट यू विल बी फीलिंग ऑड, प्लीज रिमेंबर, लर्न इट बाय हार्ट इट, आई वोंट बी रॉन्ग. ओके एवरीवन दिया है, दैट मीन्स हर एक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, मतलब दिस हैज टू बी विद एस. एवरी वन ऑफ द वर्कर्स रिसीव्स द सेम बेनिफिट्स. ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके दैट फिनिशेस विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. आई विल गिव 3-4 क्वेश्चंस अगेन विद दिस वीडियो सो दैट यू कैन सॉल्व इट एंड देन आस्क मी सम क्वेश्चंस. अभी हमने करा था फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन करेक्ट द स्टेटमेंट. अब मैं जो दूंगी वो एरर स्पॉट्स फॉर द अदर दूंगी, ठीक है, 3 or 4 क्वेश्चंस अबाउट द सेम टॉपिक. और उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें ये क्यों है और क्यों नहीं है. एनी क्वेश्चन, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क. Ask me your confusions, ask me your doubts so that I can clear it up in your comment box, okay? Now, every day we will give 10 minutes to synonyms and antonyms. So, I'm now going to increase basic things. What you need to show, because it can happen in your paragraph, it can happen in your sentence. So, we're taking a little bit of words and we'll start a new word to know something from them. Okay? So, with me, every day you'll be doing some of the synonyms, some of the phrases, some of the antonyms. With the grammar portion. Now today's words are, okay? Synonyms of a common noun, which is very often, very common in sentences, very commonly used in conversations. The first one is advantage. Actually, it's the opposite of disadvantage. So, जो भी आप इसका synonym पढ़ रहे होंगे, वो सब उसका इस वाले के synonym का opposite भी हो सकता है. For example, disadvantage का synonym क्या होता है? Demerits. एडवांटेज का सिनोनिम होता है मेरिट. तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीतार्थक है, ठीक है. नेक्स्ट, एडवांटेज का एक सिनोनिम होता है प्रोज, और वैसे ही डिसएडवांटेज का एक होता है कॉन्स. तो प्रोज एंड कॉन्स आप लोग सुने होंगे बहुत सारे अभी आर्टिकल्स में, ये यूज़ होता है द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइंटिफिक एडिशन, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोरोना होता है ना, प्रोज एंड कॉन्स. यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हुआ, लोग थोड़े एक दूसरे से क्लोज आए, नेचर एनवायरनमेंट जो है वो क्लियर हुआ, और डिसएडवांटेज तो अपन सब जानते हैं, वी आर गोइंग थ्रू इट. ओके नेक्स्ट सिमिलर, नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स. डिसएडवांटेज मतलब होता है सिनोनिम एक है ड्रॉबैक, तो अगर एडवांटेज का बोले तो बेनिफिट्स, तो ड्रॉबैक एंड बेनिफिट्स आर अगेन द ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा वीकनेस. दिस आर सब सिनोनिम्स, प्लीज़ याद रखना आप सिनोनिम्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप समान अर्थ निकाल सकें उसका, ठीक है. किड्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड, ऑफ स्प्रिंग, सिबलिंग्स. अब याद क्या रखोगे,
ऑफ स्प्रिंग में एस नहीं लगता बेटा, डू नॉट यूज एस विथ ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं बोलना, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो ऑफ स्प्रिंग्स लगा दिए, नो, इट विल ऑलवेज बी ऑफ स्प्रिंग, इट इज रिलेटिंग टू किड्स और चाइल्ड, ठीक है. नेक्स्ट इज सिबलिंग्स, यहाँ एस कंपल्सरीली लगता है, तो सिबलिंग्स कैन बी चाइल्ड, चाइल्ड इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि भाई बहन को भी सिबलिंग कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज रिजल्ट, रिजल्ट को हम दो वर्ड से सिनोनिम ले रहे हैं, फर्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस, मीनिंग सेम, रिजल्ट मतलब होता है नतीजा, ओके. नाउ रेपरकशन, दिस इज अ न्यू वर्ड, लर्न इट, रेपरकशन, ठीक है. ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे बड़े लोगों का तो उसमें ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, दिस मीन्स रिजल्ट, ओके. नेक्स्ट इज जॉब, वेरी कॉमन वर्ड आपको लग रहा होगा, इट इज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, प्रोफेशन का स्पेलिंग देखो, ऑक्यूपेशन का स्पेलिंग चेक करो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव एरर्स इन स्पेलिंग्स, ओके. नेक्स्ट इज लास्ट वन, अ लॉट ऑफ, इट मीन्स अ मल्टीट्यूड ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ प्लेथोरा ऑफ, दैट मीन्स ये सब जो वर्ड्स हैं ना ये एनहांस करते हैं आपके राइटिंग पोर्शन को भी, आपके बोलने के प्रोसेस को भी, दे ऑल दीज ऑल सिनोनिम्स विल हेल्प यू आउट टू गेट मोर एंड मोर वर्ड्स टू प्रिपेयर अ सेंटेंस एंड टू कन्वर्स विद अदर, ओके. टू एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, दिस सेशन एंड्स हियर, गुड लक, कीप स्माइलिंग.